नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। आम आदमी पार्टी इस वक्त चारों ओर से संकट में घिरी नजर आ रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में बंद है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी अब ईडी की चार्जशीट में आरोपी बन चुकी है। और वहीं अब आपको ये बता देते हैं कि आम आदमी पार्टी में टूट-फूट भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक, छतरपुर से विधायक करतार सिंह तंवर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और सिर्फ करतार सिंह तंवर नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद, जी हाँ, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और सिर्फ ये दोनों ही आम आदमी पार्टी से बीजेपी में नहीं गए हैं, बल्कि कुल 6 आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि कौन कौन आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गया। हालांकि राजकुमार आनंद तो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उनके अलावा भी कई और लोग जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद, जो कि पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उनके साथ छतरपुर से विधायक करतार सिंह तंवर, पूर्व विधायक वीना आनंद, निगम पार्षद उमेद सिंह फोगाट, हिमाचल प्रदेश प्रभारी रत्नेश गुप्ता और सह प्रभारी हिमाचल प्रदेश सचिन राय, भारतीय जनता पार्टी की आज इन लोगों ने सदस्यता ग्रहण कर ली। राजकुमार आनंद, आप याद कीजिए, इन्होंने 10 अप्रैल को इसी साल चौंकाते हुए अपना इस्तीफा पेश कर दिया था, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और सबको हैरान कर दिया था। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि केजरीवाल सरकार में दलितों के साथ ठीक नहीं हो रहा है, दलित विरोधी है केजरीवाल सरकार। आज जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए राजकुमार आनंद, तब भी उन्होंने यही आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर लगाया। इसके अलावा जो सबसे चौंकाने वाला नाम रहा, वो नाम रहा छतरपुर से आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक करतार सिंह तंवर। करतार सिंह तंवर का यहाँ पर जिक्र करना इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है कि देखिए, राजकुमार आनंद पर जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, तो उससे पहले ईडी की छापेमारी हुई थी। ईडी ने उनके आवास पर, उनके घर पर छापेमार कार्रवाई की थी। और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि ईडी की कार्रवाई की वजह से आम आदमी पार्टी से दूर हुए हैं राजकुमार आनंद। ये तमाम तरीके की बातें जो हैं, बयान, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से सामने आए थे जब राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दिया था। वहीं अगर करतार सिंह तंवर की बात करें, तो करतार सिंह तंवर पर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ चुका है। साल 2016 में करतार सिंह तंवर के फार्म हाउस पर, उनके आवास पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की थी। वहीं अब आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक, क्योंकि करतार सिंह तंवर ने इस्तीफा दिया है, तो ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि राजकुमार आनंद तो अप्रैल में ही पार्टी से दूरी बना चुके थे और उन्होंने बगावत कर दी थी। लेकिन जिस तरीके से करतार सिंह तंवर पार्टी छोड़ते हुए नजर आए हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, इसके बाद अब क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में सवाल अब आम आदमी पार्टी की तरफ भी खड़े हो रहे हैं कि क्या पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं जब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा राजकुमार आनंद ने, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या आरोप लगाए, वो भी एक बार आपको सुना देते हैं। जब बात अब अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की आती है, तो वो रिप्रेजेंटेशन के नाम से कन्नी काटने लग जाते हैं। दिल्ली और पंजाब में दलितों के नाम पर सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को जब मौका मिला कि 10 राज्यसभा सांसद आप भेजिए, तो 10 राज्यसभा सांसदों में से एक भी राज्यसभा सांसद उन्होंने किसी दलित को चुनने की जरूरत नहीं समझी। दिल्ली की किसी मंडी का चेयरमैन कोई दलित नहीं है। दिल्ली सरकार के जितने कॉलेज हैं, उसके किसी भी कॉलेज का चेयरमैन दलित नहीं है। पिछले दिनों जब स्वाति मालीवाल जी राज्यसभा भेजी गई और उनकी जो महिला, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष की सीट खाली हुई, तो मैंने अपनी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए पार्टी में कहा, मीडिया में कहा, मीडिया बंधु जानते हैं बात, कि अब इस कुर्सी पर
किसी दलित महिला को बैठना चाहिए, बजाय मेरी इस बात को एप्रिशिएट करने के अरविंद केजरीवाल और उसके साथियों ने मेरे ऊपर प्रेशर बनाया कि आप मीडिया से वो बयान वापस लीजिए। मैंने वो अपना बयान वापस ले लिया, अपना इस्तीफा उनको दे दिया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं और जिसके ठोस प्रमाण मौजूद हैं। और आज सिर्फ राजकुमार आनंद ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहा। मेरा यह मानना है कि दिल्ली का हर वो दलित जो अब ये समझ चुका है कि अरविंद केजरीवाल दलितों के हक पर हकमारी करता है, वो सब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और आज का दिन तो सिर्फ आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। तो यहाँ अरविंद केजरीवाल के पूर्व सहयोगी सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद, वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। करतार सिंह तंवर जो कि मौजूदा विधायक हैं, वो बीजेपी चले गए हैं। पूर्व विधायक वीना आनंद वो भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। कई और नेता जो हैं वो भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके बाद इस पूरे एपिसोड को लेकर ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से ये टूटफूट हुई है, जिस तरीके से उनकी पार्टी से लोग अब बीजेपी में जा रहे हैं, क्या ये एक इशारा है कि दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, इस वजह से लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, या कोई और वजह है? इसी माइक पे मैं ऐसे ही बैठा हुआ था और आप इसी तरीके से सामने बैठे हुए थे और बात हुई राजकुमार आनंद जो है उन्होंने पार्टी छोड़ दी क्योंकि वो पार्टी से नाराज है। और मैंने आपको बोला था कुछ नहीं है, उनके ऊपर जांच चल रही है, ये सबको मालूम है, जांच का दबाव है, ये सबको मालूम है, वो कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। और आपको याद होगा उन्होंने बोला कि देखिए भी मेरे को ऐसा बोल रहे हैं, मैं दलित हूं इसलिए मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं कमजोर नहीं हूं, दलित कमजोर नहीं होते। और मैं ये 100% कहता हूं कि दलित कमजोर नहीं होते, क्योंकि दलितों ने ही भारतीय जनता पार्टी को उसकी जगह 250 से कम की दिखाई, वो दलितों ने ही दिखाई। ये बाबा साहब के संविधान की ताकत है। मगर उनके नाम पे जो राजकुमार आनंद जी राजनीति कर रहे थे, आज उनका पर्दा जो है फाश हो गया, आज वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उन्हें वहीं जाना था। जब उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उनके आसपास जो लोग थे वो वही लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, वो उस फोटो में वो वीडियो में दिख रहे थे, वो ट्विटर पे भी चल रहा था। मगर क्योंकि अगर वो सीधा ही भारतीय जनता पार्टी में चले जाते तो एक दो हफ्ते तक वो टीवी के अंदर अखबारों के अंदर इंटरव्यू कैसे देते, वो अरविंद केजरीवाल को गालियां कैसे दे पाते, वो भारत बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़के हमारी वोट काटने की कोशिश कैसे करते। तो इसीलिए जो है भारतीय जनता पार्टी का भी ट्रेंड है, वो इस तरीके से माहौल बनाते हैं कि साहब देखिए इनकी पार्टी से कोई इतना नाराज था इसलिए उसने पार्टी छोड़ दी, वो कहीं और नहीं जा रहा, वो सिर्फ नाराज है, वो घर बैठेगा इसलिए उसने पार्टी छोड़ दी। तो जो नाराज था और जो घर बैठ रहा था वो सिर्फ चुनाव तक के लिए घर बैठा था, क्योंकि उनको बसपा से चुनाव लड़वाना था और उनको चुनाव लड़वाया और अब वो चुनाव लड़के हार गए, जमानत जब्त करा ली, अब वो जो है भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। साफ तौर पर एक बड़ा झटका जरूर माना जाएगा, जिस तरीके से राजकुमार आनंद ने करतार सिंह तंवर, वीना आनंद समेत तीन और जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसके बाद चुनाव भी सर पर है, ऐसे में क्या रणनीति के साथ अब आम आदमी पार्टी सामने आएगी, ये देखना होगा। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।